कोरोना वायरस से उपजे संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए सुल्ताना के ग्रामीणों ने पहल की है। ग्रामीणों ने सुल्ताना में जरूरतमंदों की मदद के लिए सुल्ताना पुलिस के सहयोग से एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां रोजाना खाद्य सामग्री की किट तैयार की जा रही है। इन किट में 10 किलो आटा, चीनी, चावल, तेल, चाय, मसाले, बिस्किट सहित अन्य जरूरत का सामान शामिल है। इसे कोविड सहायता समिति का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य है कि किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, हर जरूरतमंद तक भोजन पहुंचे तथा अन्य कोई जरूरत हो वह भी की जा सके। इस संबंध में सुल्ताना चौकी प्रभारी एएसआई मक्खनलाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जो जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री मुहैया करवा रही है। जरूरतमंदों के लिए अन्नपूर्णा किट बनाए गए हैं, जिनमें 10 किलो आटा सहित चीनी, चावल, दाल, तेल, मसाले और बिस्किट शामिल किया गया है। इस अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री के लिए भामाशाहों और सुल्ताना व्यापार मंडल ने भी मदद की है। सुल्ताना में 25 मार्च को चिड़ावा डिप्टी आरपी शर्मा के सानिध्य में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री किट वितरण का कार्य शुरू किया गया था। टीम की ओर से रोजाना 10 से 15 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सुल्ताना चौकी प्रभारी मक्खनलाल रोजाना ग्रामीणों को साथ लेकर झुग्गियों में पहुंचकर खाद्य सामग्री की जानकारी लेकर जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री का वितरण करवा रहे हैं। सुल्ताना के ग्रामीणों और पुलिस की इस अनूठी पहल की अब सराहना भी हो रही है। चिड़ावा झुंझुनू से ईटीवी के लिए कृष्ण डस्सा की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस का चुनाव महज एक मजाक बन गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। चुनाव की तारीख से लेकर चुनाव करवाने की प्रक्रिया तक और फिर चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया तक कुछ भी स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आया। पहले तारीख बढ़ाई जाती है, फिर प्रक्रिया बदल दी जाती है, फिर चुनाव परिणाम भी पहले कुछ और बाद में कुछ घोषित किए जाते हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार संशय की स्थिति में हैं और खुद के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आपको भी सुनाते हैं संगठन के चुनाव में जीत हासिल करने वाले ऐसे दो उम्मीदवार, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या कहा और अब क्या मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि इस तरीके से अगर चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो फिर संगठन मजबूत होगा कैसे। वैसे ही संगठन को लेकर ही ज्योतिराजे सिंधिया खफा होकर कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अब यूथ कांग्रेस के चुनाव में जो प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो वाकई में कांग्रेस पार्टी को सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं नरेंद्र सिंह जेदपुरा, इंडियन यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष उदयपुर वाटी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने फरवरी 22-23-2020 को इंडियन यूथ कांग्रेस के चुनाव दो चरणों में संपन्न करवाए थे, जिसमें मैंने उदयपुर वाटी विधानसभा अध्यक्ष में 310 वोट हासिल किए थे और 8 वोटों से विजय हासिल की थी। इसमें मैंने और मेरी पूरी टीम ने प्रदेश अध्यक्ष में वोट सुमित जी बगासरा को डाले थे और जिला अध्यक्ष में दिनेश जी डूडी को डाले थे, जिनकी विजय हुई थी। जिसके बाद पार्टी ने दोबारा परिणाम जारी किया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष के मुकेश जी भाकर व जिला अध्यक्ष में सुधेंद्र जी मुंड को विजय घोषित कर दिया। मेरा पार्टी से निवेदन है कि परिणाम को सही व सत्यता की जांच की जावे और दोनों कैंडिडेटों की तहसीलवार आए वोटों की भी साथ में लिस्ट जारी करें। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम आमिर खान है, मैं झुंझुनू विधानसभा अध्यक्ष। सर, मेरे झुंझुनू से 381 वोट आए सर। सर, मैं और मेरी पूरी टीम दिनेश डुड्डी जो जिला अध्यक्ष थे इब सर उनको हटा दिया गया सर। हमारी टीम ने दिनेश डुड्डी को ही वोट दिए थे सर, क्योंकि सर उन्होंने हमें खड़ा किया था और हम उनके ही साथ में लगे हुए थे सर, और हमने पूरी जी जान से मेहनत की थी सर। सर हमने तो की थी सर, बाकी जिलों में भी दिनेश की अच्छी खासी टीम थी सर। अब सर दोबारा रिजल्ट आया सर, दिनेश के 72 वोट कैसे आ सकते हैं सर? या तो सर हमारा रिजल्ट गलत है या फिर सर आप खुद समझदार हो सर। एक महीना हो गया सर, एक यूथ कांग्रेस सर मजाक बनी हुई है सर। इसका परिणाम एकदम सोच समझ कर सत्यता की जांच से आप क्लियर करें। धन्यवाद सर।